सो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे मैप के बारे में, जो कि बहुत भाई का डाउट जो रह गया था उसे भी आज दूर कर दिया जाएगा। जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है और 12 पैकेज में विभाजित है। 6 लाइन एक्सप्रेसवे है, बिजौलिया मेरठ से चंदनेर हापुड़ की दूरी 48 किलोमीटर है, जो कि दोस्तों काफ़िया और चंदनेर से हापुड़ मिर्ज़ापुर से अमरोहा की दूरी जो है 30 किलोमीटर है। और इस एक्सप्रेसवे को कौन कौन से एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी, जैसे कि मिर्ज़ापुर डोंगल अमरोहा से नगला बारा बदायूं से 50 किलोमीटर है, और नगला बारा बदायूं से लेकर बिनावर बदायूं तक 52 किलोमीटर दिया गया है, जिससे कि एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। और इस एक्सप्रेसवे को कौन कौन से एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, अभी वो लास्ट वाले ऑप्शन पे आप सभी को दिखाई देगा मैप द्वारा। जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का डाउट कंप्लीट हो रहा होगा, तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कुछ डाउट महत्वपूर्ण भी, उसे भी कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि दारी से गुलाऊ शाहजहाँ से लेकर उबरिया खुर्द से हरदोई 52 किलोमीटर है, और इकसाई हरदोई से लेकर रया उन्नाव जो है 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि इसी एक्सप्रेसवे का लोकेशन है। और बात करते हैं तो सरसों उन्नाव से लेकर तेरुखा रायबरेली 52 किलोमीटर है, जो कि एक दूसरे की कनेक्टिविटी के लिए बेहतर होगा, कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि तेरुखा रायबरेली से नौधिया प्रतापगढ़ के बीच की दूरी जो है 52 किलोमीटर है, जो कि आसपास 52 किलोमीटर। और जैसे कि नौधिया प्रतापगढ़ से जूदापुर दांदू जिला से प्रतापगढ़ के बीच की दूरी जो है 53 किलोमीटर है, जो कि दोस्तों आप सभी को ये डाउट तो कंप्लीट हो गया होगा कि कौन से कितना किलोमीटर है। अब बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे को कौन कौन से एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी जो है टोटल 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, और ये 6 लाइन एक्सप्रेसवे है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाएगा। और इसे कई भागों में विभाजित भी किया गया है, जैसे 12 भागों में विभाजित किया गया है। और इस एक्सप्रेसवे को दो कंपनी द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है, आप सभी को सारा जानकारी पूर्ण रूप से पहले ही प्राप्त हो चुका होगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को हम बता देते हैं कौन कौन से एक्सप्रेसवे से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा रहा है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे है और यमुना एक्सप्रेसवे है। ये सभी एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बनाएंगी किससे, गंगा एक्सप्रेसवे से। और कहाँ कौन से स्थान पे जो कि ये कनेक्टिविटी बनाई जा रही है आप सभी को बता देते हैं। तो ये उन्नाव है, तो उन्नाव पे जो है इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। जैसे कि आगरा और एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का है और इसे उन्नाव तक जो है ले गया गया है, जो कि इसे समाप्त किया जाएगा उन्नाव में। और मेरठ से शुरू होकर इसे गंगा एक्सप्रेसवे को, जैसे कि मेरठ से शुरू होकर उन्नाव तक आया है, तो इसे ही यहां पर उन्नाव को कनेक्टिविटी के बेहतर बनाने के लिए यहां उन्नाव तक लाया जा रहा है, ताकि जो है एक एक्सप्रेसवे से दूसरा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो सके। बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ प्रयागराज, ये सारा एक्सप्रेसवे है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बना रहा है। जैसे कि आपको हम मैप के द्वारा भी समझाएंगे, जो कि मैप लगा देंगे, आप वहां पर स्क्रीन के द्वारा समझ भी सकते हैं दोस्तों। और बहुत भाई का डाउट था कि इस एक्सप्रेसवे को कब तक चालू किया जाएगा, कब तक पूरा किया जाएगा। तो जैसे कि बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे भारत के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, वर्तमान में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। लेकिन अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाता है, तो जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई को कहा जाएगा। अगर वर्तमान में देखा जाए चालू एक्सप्रेसवे, जो कि इस समय वर्तमान में चल रहा है, तो गंगा एक्सप्रेसवे नहीं है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कहा जाएगा। जैसे कि बहुत भाई का डाउट भी था, तो उसी डाउट को दूर कर देंगे इसी वीडियो में। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयाग के बीच की दूरी जो है कम भी हो जाएगी, जो कि पहले 11 घंटे का समय लगता था, अब जो है वो 8 घंटे में सफ़र कर सकते हैं दिल्ली। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयाग के बीच की दूरी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो एक दूसरे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे, जैसे कि बात करते हैं नोएडा
नोएडा एक्सप्रेस वे की, तो यमुना और आगरा फिरोजाबाद होते हुए मेनपुरी इटावा पे जो है आपको ये आपको आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। वहाँ से कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए कनेक्टिविटी दिया गया है इटावा पर, और जैसे इटावा से कन्नौज आएंगे कानपुर नगर होते हुए हरदोई आएंगे तो यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के माध्यम से आ सकते हैं। हरदोई के और आगे उन्नाव जैसे आएंगे, उन्नाव के और आगे अगर आएंगे तो लखनऊ हो जाएगा। बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर होते हुए आप डायरेक्टली यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। फिर से जैसे कि इटावा पे हम पहुँचने के बाद औरैया, कानपुर, जलौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के माध्यम से भी हम जा सकते हैं। जैसे कि गंगा एक्सप्रेस वे का एग्जिट पॉइंट जो है उन्नाव है, इसी के माध्यम से आप जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो आई होप वीडियो भी पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। जैसे कि आप सभी को सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों आप सबको वीडियो कैसा लगा। गंगा एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2025 में रखा गया है। जैसे कि दोस्तों इस एक्सप्रेस वे को कम्प्लीट करने का लक्ष्य क्यों रखा गया है, जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने वाला है जो कि उसी के दौरान इस एक्सप्रेस वे को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि जल्द से जल्द अगर पूरा कर दिया जाएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। और इस इलाहाबाद में प्रयागराज में जो कि पहले इलाहाबाद था अभी समय वर्तमान में प्रयागराज नाम कर दिया गया है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करने का टारगेट भी रखा गया है। तो क्योंकि दोस्तों इससे बाहरी लोग भी इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से इस महाकुंभ मेला में शामिल हो सके, जो कि दोस्तों अगर पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा उनको सारा सुविधा भी मिलेगा, तो उसी एक्सप्रेस वे के माध्यम से वो बाहरी लोग भी आ जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके साइड में दोनों साइड में लगभग सर्विस रोड भी दिया जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे को, क्योंकि अगर लोकल लोग हैं तो वहाँ से सर्विस रोड के माध्यम से आ जा सकते हैं, और बाकी जो है बाहरी लोग एक्सप्रेस वे के माध्यम से ही आएंगे, आवागमन चालू रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को इस वीडियो से और जैसे कि इस एक्सप्रेस वे से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होने वाला है। तो इस एक्सप्रेस वे के साइड साइड में कॉरिडोर का भी निर्माण होने वाला है, जो कि जिस गांव के साइड में कॉरिडोर का निर्माण होगा, बड़ी बड़ी मंडी भी होगी, ऐसे बहुत